जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अपने बयानों की वजह से आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार वह मणिपुर हिंसा के तहत कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना सामने आने के बाद अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी रहे सत्यपाल मलिक ने अपने ताज़ा बयान में पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मन की बात सहित अन्य मुद्दों पर घंटों तक बोलने वाले पीएम मोदी मणिपुर में घटी अमानवीय और देश को शर्मसार करने वाली घटना को लेकर केवल 36 सेकंड ही बोले। कुछ सेकंड का उनका ये बयान सभी को चकित करने वाला है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अपने बयानों की वजह से आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार वह मणिपुर हिंसा के तहत कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना सामने आने के बाद अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी रहे सत्यपाल मलिक ने अपने ताज़ा बयान में पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मन की बात सहित अन्य मुद्दों पर घंटों तक बोलने वाले पीएम मोदी मणिपुर में घटी अमानवीय और देश को शर्मसार करने वाली घटना को लेकर केवल 36 सेकंड ही बोले। कुछ सेकंड का उनका ये बयान सभी को चकित करने वाला है।